हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स नया सिलेबस और चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई और इस बार हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जी हां दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया कि किस तरह से जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है और प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। यानी अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा, अदर थिंग्स constant, higher the price of the commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of the commodity, less is the quantity supplied. जी हाँ दोस्तों, हमने हमारे short code HMLL के साथ इसे बायहार्ट भी किया, higher the price, more the quantity, lower the price, less the quantity. लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस law में भी exceptions हैं, यानी हर बार की तरह ये law हर जगह fit नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये statement हर बार एक्सपीरियंस किया जाए, और इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ ऐसी चीजें जिन पर ये लॉ फिट नहीं बैठता, ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई ने हमें यह समझाया कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इसीलिए जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है और प्राइस जब कम होता है तो सप्लाई कम होता है, लेकिन ऐसा हर बार मुमकिन नहीं है। और इसी का पहला केस है सप्लाई ऑफ लेबर। जी हाँ दोस्तों, सप्लाई ऑफ लेबर यानी काम करने वाला मजदूर वर्ग या कोई और ऑफिस वर्क करने वाला स्टाफ। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब उनका वेजेस यानी पगार बढ़ता है तो उनका लेबर सप्लाई भी बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब और ज्यादा पगार बढ़ती है तो वर्कर्स या लेबर्स जो होते हैं वो लेजर प्रेफर करते हैं और लेबर सप्लाई कम हो जाता है। चलिए लेबर सप्लाई को समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है चतुर चालाक चंदू की। जी हाँ दोस्तों, ये चतुर चालाक चंदू जो है ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और ये एक घंटे के 200 रुपए कमाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 घंटे काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पर और इस हिसाब से ये दिन के 1000 रुपए कमा लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स काफी सिंपल है, 1 घंटे के 200, 5 घंटे के 1000 रुपए। इस प्रकार चतुर चालाक चंदू काफी खुश है। एक दिन इसका कॉन्ट्रैक्टर आता है और इससे कहता है, योर सैलरी इज इंक्रीज टू 300 पर आवर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर आकर कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी अब 200 से 300 रुपए प्रति घंटा कर रहा हूँ। इससे चतुर चालाक चंदू बहुत ही शातिरता से ये कहता है कि अब मैं 6 घंटे काम करूंगा। जी हाँ दोस्तों, गणित फिर एक बार काफी सिंपल है, 1 घंटे के 300 रुपए। इस हिसाब से 6 घंटे अगर वो काम करेगा तो उसे दिन के मिलेंगे 1800 रुपए। इसीलिए चतुर चालाक चंदू जो है वो 6 घंटे काम करने के लिए तैयार हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगली बार जब कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे के 400 रुपए दूंगा, और इस बार चतुर चालाक चंदू तुरंत 7 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 400 रुपए 1 घंटे के, 7 घंटे काम करने के, 2800 रुपए दिन के चतुर चालाक चंदू कमाने लग जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखेंगे कि ये चालाकी से किस तरह चंदू काम कर रहा है। अगली बार जब कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो कहता है कि मैं 1 घंटे के 500 रुपए दूंगा, लेकिन इस बार हमारा चंदू जो है वो 7 घंटे ही काम करता है। इस प्रकार फिर भी वो 3500 रुपए कमा लेता है, क्योंकि 500 × 7 दैट इज 3500 रुपीज। यानी अगर वो 500 रुपए 1 घंटे कमा रहा है तो 7 घंटे काम करके भी वो 3500 रुपए कमा लेगा, जो उसकी पिछली आमदनी से ज्यादा है। इस प्रकार जैसे अगली बार कॉन्ट्रैक्टर फिर से उसकी पगार बढ़ाता है यानी वेजेस को पर आवर 600 रुपए करता है, तो चंदू इस बार सोचता है कि मैं क्यों ना 6 घंटे काम करूं। 6 घंटे काम करके भी मुझे पिछली इनकम से ज्यादा ही इनकम मिलने वाली है, यानी 600 रुपए प्रति घंटा 6 घंटा काम करूंगा तो 3600 रुपए कमा लूंगा, जो 3500 से 100 रुपए ज्यादा ही है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ती हैं उस प्रकार लेबर सप्लाई बढ़ता तो है, लेकिन एक पॉइंट के बाद और ज्यादा वेजेस बढ़ने पर लेबर सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि इस बार जो लेबर है वो ये सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूं, मैं अपने लिए समय दूं, और इसीलिए जब ज्यादा वेजेस बढ़ते हैं तो लेबर सप्लाई कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विद अ फर्दर राइज इन वेज रेट एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड।
दिस इज बिकॉज द वर्कर वुड प्रेफर लीजर यानी आराम टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक घंटे के 200 मिल रहे थे, फिर एक घंटे के 300, फिर एक घंटे के 400, यहां तक तो वर्किंग आवर्स बढ़ रहे थे, 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे। लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा वेजेस बढ़ते गए यानी 500 और फिर 600, तो इसके बाद जो है वर्किंग आवर्स बढ़े नहीं बल्कि वो कम हो गए, यानी 7 घंटे के बाद वर्किंग आवर्स 6 घंटे हो गए, क्योंकि वर्कर ने यानी लेबर ने हमारे चंदू ने लेजर यानी आराम करना पसंद किया। दस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे लेबर का सप्लाई जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व शो करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आवर्स ऑफ वर्क, वाई एक्सिस पे वेजेस पर आवर, जो बताते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे वेजेस पर आवर बढ़ते गए उस प्रकार एक पॉइंट के बाद जो हमारा आवर्स ऑफ वर्क है वो कम होने लगा। सो लेबर सप्लाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाएंगे कि किस तरह लेबर सप्लाई पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है, और लेबर का सप्लाई जो है वो एक पॉइंट के बाद वेज रेट बढ़ने के बावजूद कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल गुड्स। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चरल गुड्स पर भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ कहता है कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा और प्राइस कम तो सप्लाई कम। लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं दोस्तों, ये वेदर कंडीशंस पर डिपेंडेंट होते हैं। कई बार एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर होता है, और अगर अच्छे वेदर कंडीशन ना हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे समय पर अगर प्राइस ज्यादा भी हो तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो सप्लाई कहां से करेंगे, और इसीलिए एग्रीकल्चरल गुड्स पर भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, एंड दस इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला एक्सेप्शन। अगला एक्सेप्शन है अर्जेंट नीड फॉर कैश। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। सप्लाई का जो पूरा मामला है ये प्रोड्यूसर का मामला है, और प्रोड्यूसर को अगर बहुत ज्यादा कैश की जरूरत है तो वो अपने दुकान में अवेलेबल सारा गुड्स जो है, सारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में भी दे सकता है, क्योंकि उसे फिलहाल पैसे की बहुत जरूरत है। तो ये मामला बहुत सिंपल है दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा है, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। लेकिन जब कैश की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कम दाम में भी देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस प्रकार अर्जेंट नीड फॉर कैश बिकम्स वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की। जी हाँ दोस्तों, पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जिन्हें हम संभाल कर स्टोर करके नहीं रख सकते ज्यादा समय के लिए। ऐसे गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं। वेजिटेबल्स, मिल्क, ये कुछ पेरिशेबल गुड्स के एग्जांपल्स हैं। दोस्तों याद रखिए, ये गुड्स खराब हो जाएं और इससे लॉस हो ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा, और इसीलिए प्रोड्यूसर पेरिशेबल गुड्स के मामले में भी लॉ ऑफ सप्लाई की अनदेखी कर सकता है, और इसीलिए वो इसका सप्लाई कर देता है एट अ चीपर रेट ऑल्सो, क्योंकि वो लॉसेस बेयर नहीं करना चाहता। सो पेरिशेबल गुड्स आर ऑल्सो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी एक्सेप्शन की ओर। जी हाँ दोस्तों, आखिरी एक्सेप्शन है रेयर गुड्स या रेयर आर्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों रेयर गुड्स यानी रेयर आर्टिकल्स का सप्लाई कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। ये कुछ एंटिक्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री में मिली हुई है या जो हमें प्राप्त हुई है। इन्हें हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये रेयर नेचर है। फिर ये एंटिक्स हों, पेंटिंग्स हों, कुछ क्लॉक्स हों या कोई भी रेयर चीज हो, इनका सप्लाई हमारे हाथ में है ही नहीं, और इसीलिए प्राइस ज्यादा मिले या कम इनका सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते, और इसीलिए रेयर आर्टिकल्स इज आल्सो वन ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। दोस्तों इस प्रकार हमने ये सभी एक्सेप्शंस देख लिए। ये सभी एक्सेप्शंस अपने आप में छोटे छोटे आंसर्स की तरह पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर। इसे जरूर याद कीजिए और लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।